नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और अभी मैं खड़ी हूं शास्त्री पार्क में, जहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली चल रही है। तो चलिए चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं क्या कहना है उनका नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अपने देश को हर तरह की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से देखते हुए मोदी को इस बार पीएम बनाना बहुत जरूरी है, जो हमारे देश के लिए अच्छा है। सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान के कुछ लोग हमारी हिंदुस्तान की सरहदों में घुसते हैं और हमारे जवानों का सर काट के ले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। उनका ये मैसेज है कि हम ऐसा ही करेंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें मोदी जैसे पीएम की सख्त ज़रूरत है। सबको पता है कि मोदी जी की ऐसी छवि है जो इस अब हमारे देश में उन्हीं की ज़रूरत है, क्योंकि आज तक जितने भी नेता आए, चाहे मनमोहन जी हो चाहे कोई सा भी प्रधानमंत्री हो, किसी ने भी देश के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी की शख्सियत ऐसी है जो कि हमारे देश में आने वाले, जो हमारे देश को, अगर क्योंकि युवाओं को ज़रूरत है और वो उनकी युवाओं की जैसी सोच है, तो आने वाले समय में हम लोगों के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा वो संभावनाएं हैं। मैं तो सभी यूथ से अपील करना चाहता हूं कि एक ऐसा नेतृत्व और ऐसा एक विजनरी लीडर हमारे सामने है, जो हम एक ऐसा विजन दिखा रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि 10th और 12th के बाद क्या करना होगा। सही में पढ़ाई करके बेरोजगार रहना पड़ेगा या फिर पढ़ाई करके हमें देश की तरक्की में योगदान कर सकते हैं। और ऐसा नेतृत्व जो योगदान करने के लिए हमें प्रेरित भी कर रहा है, योगदान करने के हमें सक्षम भी बनाएगा, और लोग हमारे सामने इस समय हैं। और हमें सबको नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के कमल के फूल पे बटन दबा के जितवाना। हम सब मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। एज बिंग अ टीनेजर मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ और मेरे साथ बहुत से लोग आए हैं जो जिन्हें मैं जानती भी नहीं, पर वो रास्ते में मुझसे जुड़े और मुझे ये बोला कि मुझे मोदी जी की रैली में जाना है। तो हम सब यहाँ अवेलेबल हैं, भीड़ देख ही रही हैं। मोदी जी का सपोर्ट सबके साथ है और सबका सपोर्ट मोदी जी के साथ है। यार, इस पूरे देश को मोदी की बहुत ज़रूरत है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले चुनाव में आप 10 अप्रैल को चाहे कोई भी काम हो, सब काम छोड़ के मोदी जी को वोट दें। हमें मोदी जी को हर सूरत में लेके आना है, हम लेके आएंगे, ये हमने कसम खा रखी है। तो जैसे कि हमने बात की यहाँ पर आए हुए लोगों से, वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए या उन्हें देखने के लिए भी। उनका ये भी कहना था कि नरेंद्र मोदी ही हैं जो कि विकास से पूरे देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए हमें आगे दीजिए नमस्कार।